हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। आज हम लोग बताएंगे इस मंदिर की कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, तो आप लोग ध्यान से बने रहिएगा और देखिएगा लास्ट तक। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर और ये कैंट स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, तो चलिए चलते। दोस्तों, ये जो मंदिर है ये सन 1964 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी जो फंडिंग है, इसमें जो पैसा दिया गया था, वो ठाकुर घराने की एक फैमिली थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल के थे, उनका एक बहुत बड़ा योगदान था इस मंदिर को बनाने में। तो गाइस, ये जो मंदिर है ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और चारों तरफ इनकी दीवारों पर ब्लैक कलर से पूरी रामचरित मानस की जो है इस पर रचना लिखी हुई है। इसे कोई भी पढ़ सकता है, जितने भी रामायण में कांड हुए थे उन सबका वर्णन इस दीवार पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अब हम लोग जाने वाले हैं राम कृष्ण लीला झांकी। इसमें 10 रुपये का शुल्क लगता है और इसके अंदर पूरा वर्णन है। बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ रचनाएँ लिखी हुई है रामायण की, कथा की, रामकृष्ण जी भगवान की, और बहुत ही शांति है। देखिए, हर तरफ दीवारों पे बस रामायण का वर्णन लिखा गया है यहाँ पर।
गाइस ये वाराणसी के बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ से अगर आप कुछ प्रसाद वसाद लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मंदिर के गेट के जस्ट बगल में कुछ दुकानें हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की, साड़ियाँ हैं और कुछ फैंसी डिज़ाइनर आपके आभूषण वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे।